धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं आप ही का चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक। आज फिर मैं रतन वर्मा। हमेशा इस चैनल पर हम आपको धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम आपको जो भी कार्यक्रम रतनगढ़ के अंदर या रतनगढ़ के आसपास के एरिया में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आपको बना करके हम दिखाते रहते हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको रतनगढ़ व रतनगढ़ के आसपास के एरिया की या राजस्थान से जुड़ी हुई कहीं भी धार्मिक समाचार जो हमें प्राप्त होते हैं अगर हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कार्यक्रम देखने के बाद में कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि इस प्रकार का जो मैं कार्यक्रम बनाता हूं वो आपको कैसा लगता है। मैं आपको कभी कभी मंदिरों के दर्शन भी करवाता हूं और अभी जो सावन मास का महीना चल रहा है आपको हर सोमवार को मैंने अलग अलग शिवालय के मैंने आपको दर्शन भी करवाए हैं। तो आज मैं जहां पहुंचा हूं वो है मैं पहुँचा हूँ रतनगढ़ में नवनिर्मित ब्लॉक नंदीशाला। आज यहाँ पंडित आचार्य देवेश जी जोशी के द्वारा यहाँ शुभ मुहूर्त के अंदर पूजा पाठ की गई। इसी शुभ मुहूर्त के ऊपर 2 अगस्त शुक्रवार को रतनगढ़ नागरी परिषद सूरत द्वारा ब्लॉक नंदीशाला जन सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रदत्त 10% जन सहभागिता राशि से नंदीशाला में निर्मित काउ शेड की शुभ मुहूर्त में पूजा करवाई गई। परिषद के संरक्षक शुभकर्म जी बैद एवं अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी प्रजापति के द्वारा पूजा की गई। इस अवसर पर रतनगढ़ नागरिक परिषद के संरक्षक शिव प्रकाश प्रजापति, मंत्री चंद्र प्रकाश सैनी, सदस्य इंद्रचंद प्रजापत के अलावा ब्लॉक नंदीशाला संचालन समिति के मंत्री अंजनी कुमार चोटिया, देवकी नंदन सोनी, श्याम सुंदर माटोलिया, रवि इंदौरिया भी उपस्थित थे। परिषद द्वारा बनाए गए काउ शेड के लोकार्पण कार्यक्रम जो बड़ा कार्यक्रम होगा वो होगा 4 अगस्त रविवार को रखा गया। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको जो नंदीशाला ब्लॉक नंदीशाला का जो आज प्रथम बार जो मुहूर्त है भूमि पूजन जिसको बोलते हैं आज मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर मैं एक छोटा सा अपना अनुभव जो धार्मिक है वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जैसे ही यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठ करके और पंडित आचार्य देवेश जी भी यहाँ पूजा पाठ करवा रहे थे तभी एक छोटा सा चूहा यानी जिसको हम गणेश जी मानते हैं जो ये सामने आप जो भक्त जो पूजा पाठ करवा रहे हैं इनके पैरों के पास आ गया। कई देर तक इनके पास रहा। आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं कि इन्होंने इस कार्य को बहुत ही शुभ माना। वो भी आगे मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। देखते रहिए आप हमारा चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक।
पूजा। श्री विष्णु देव यजनम रक्षस्व जी महाराज चक्र काटना आ गया सुगन लागे जी हर एक चीज का सुगन। बताओ कट हुआ है कट हुआ है हां जगह तो आया फिर उठ गया अनानास पर ऊपर चढ़ गया वो आसा आप इन्हें स्वीकार करो कोई जीवन काल में या कर्म में कोई कमी गलती हुई हो तो ब्राह्मणा का वचना से और आपकी कृपा से अन्नपूर्ण फल की प्राप्ति हो
ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुमे अनेन कृतेन पूजनेन स्थापित देवतः यन्ताम नमः भगवान की जय। अरे इन्हें गया किने गया ना ना गया नीचे इन्हें आगे। अरे बस देखो आपको एक थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, एक भाव की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, कि देखो नंदीशाला में जैसे ही नंदीशाला का आज जैसे कार्यक्रम का शुरुआत हुई है, यानी कि मुहूर्त हुआ है नंदीशाला का, तो अचानक ही एक छोटे से काबा यानी चूया आई है। सभी मानते हैं कि इन्होंने आशीर्वाद दिया और जैसे ही पूजा समाप्त हुई और वो अपने स्थान पर यहाँ चली गया। देखो